हाय बिट्टू, कैसे हो तुम? अब तक तो ठीक था, मगर आगे मेरा क्या होने वाला है इसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों, क्या होने वाला है आगे? एक मासूम बच्चे का मर्डर। तुम किसी का मर्डर करने वाले हो? अरे नहीं यार, दुनिया में हजारों बच्चे, मगर मासूम बच्चा तो मैं ही हूँ ना। लेकिन तुम्हारा क्यों मर्डर होने वाला है? अरे कमाल की बात कर दी, आज हमें स्कूल की रिपोर्ट कार्ड मिली है ना, तो पापा जी मेरे रिपोर्ट कार्ड साइन करते वक्त ये देखेंगे कि 5 सब्जेक्ट में से मेरे 3 सब्जेक्ट के डब्बे गोल है, तो वो क्या सोचेंगे? मेरी लंबी उम्र की प्रार्थना थोड़ी ना करेंगे, मेरे तो मर्डर ही करेंगे ना। हाँ, लेकिन तुम फेल कैसे हो गए? उस नालायक बेवकूफ अनपढ़ जतिन की वजह से। उसको कितनी बार बोला है तू अपनी हैंड राइटिंग सुधार ले, जब भी एग्जाम में उसकी नकल करने जाता हूँ कुछ समझ में नहीं आता उसने क्या लिखा है। तो लास्ट टाइम भी मैंने कहा था ना कि मेरी नकल कर लिया करो। सो सैड। अब पापा जी को कौन समझाए कि किसी और की कमजोरी की वजह से मेरा फ्यूचर खराब हो रहा है मेरा। वेल, मैं फोन रखती हूँ। ओके। अरे ओए कुड़िये, जाते आते बेस्ट ऑफ लक तो बोल दे, दिल को तसल्ली मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय एंड थैंक यू। तू तो गया बच्चे। अब एक काम कर, तू कोई अच्छा सा पीपल का पेड़ ढूंढना शुरू कर दे, समझा ना? पीपल का पेड़? वो क्यों भाई? वो इसलिए कि जब तू मरेगा तो तेरी आत्मा को लटकने के लिए कोई अच्छे से पेड़ की जरूरत तो जरूर पड़ेगी, राइट? राइट है ना, क्योंकि पापा जी तेरे को छोड़ने नहीं वाले, समझा? ए, तूने अभी तक बिट्टू को पहचाना नहीं, पापा जी को सामने तो आने दे। ऐसी शक्ल बनाऊंगा कि पापा जी के दिल में मेरे लिए इमोशन का पहाड़ खड़ा कर दूंगा। अबे जाजा, पापा जी पढ़ाई के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं, अब तो तेरा भगवान ही मालिक है। भगवान? भगवान खुश तो बहुत हो गए ना तुम। भगवान वो बिट्टू जिसने आज तक तुम्हारी चौकट पर एक पैर भी नहीं रखा, आज दोनों पैर और अपनी बाकी की बॉडी लेके तुम्हारे सामने खड़ा है। पता है क्यों भगवान? अपने लिए नहीं, अपने पापा जी के लिए। जब उन्हें ये पता लगेगा कि मुझसे जलने वाली चंद टीचरों ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए मुझ जैसे इंटेलिजेंट बच्चे को फेल कर दिया, तो मेरे पापा जी तो पागल हो जाएंगे भगवान। और मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, मैं तो अपने पापा जी के लिए मांग रहा हूँ। भगवान मेरे पापा जी को पागल होने से बचा लो भगवान, मेरे पापा जी को पागल होने से बचा लो भगवान, मेरे पापा। भगवान आपने मेरी रिक्वेस्ट सुन ली भगवान, थैंक यू भगवान, थैंक यू वेरी मच। बिट्टू। हाँ पापा जी, आया भगवान। बिट्टू कूल पे के आपने मेरे साथ प्रॉमिस किया मुझे बचाने का, ये प्रॉमिस तोड़ना मत भगवान। बिट्टू बिट्टू। हाँ हाँ पापा जी, आया आया आया। हाँ जी, लगता है तू बड़ा होके किसी गवर्नमेंट ऑफिस में बाबू बनेगा। पापा जी ये ख्याल आपको कहाँ से आया? वेरी सिंपल, जिस तरह बाबू के ऑफिस में 8-10 चक्कर नहीं लगाओ तब तक वो उठते नहीं जगह से, उसी तरह तुझे 8-10 बार बुलाओ नहीं तब तक तू आता नहीं है। पापा जी आप बात को समझते नहीं। yeah. एक आवाज में आऊंगा तो मेरी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी ना, आपको भी तो लगना चाहिए कि आप किसी बड़े आदमी से बात कर रहे हैं। वाह मेरे बड़े आदमी, अब एक काम कर, फट से ऊपर चढ़ और शीट निकाल के दे, मुझे साफ करनी है। जी पापा जी। ओहो, अरे यहाँ से हाथ नहीं पहुंचेगा मेरे लंबू, वहां से जाना पड़ेगा तुझे। वैसे पापा जी शील्ड आपने कहाँ से खरीदी? बेवकूफ, खरीदी नहीं, ये शील्ड मेरे दादाजी को मिली थी। वाओ, अच्छा पापा जी आपको देख के लगता नहीं कि आपकी फैमिली में इतनी बड़ी शील्ड कोई जीत सकता है। ये शील्ड मेरे दादाजी को इसलिए मिली थी क्योंकि वो पूरे स्टेट में फर्स्ट आए थे, समझे? और वो बगल में छोटा सा कप है ना, हाँ। वो मुझे मिला था क्लास में फर्स्ट आने के लिए। हाँ क्लास से याद आया, बिट्टू तेरी एग्जाम तो हो चुकी है ना? हाँ? रिजल्ट कहाँ है? रिजल्ट? हाँ हाँ, रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? पापा जी उठो ना पापा जी। पापा जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हे भगवान, इनके बोलने का स्विच ऑफ तो नहीं हो गया? पापा जी उठो ना पापा जी। पापा जी कौन? पापा जी पापा जी आप खुद ही तो बोलते हो कि हमेशा याद रखो मैं तुम्हारा पापा हूँ, और आज खुद ही भूल गए? मुझे कुछ याद नहीं है कि कौन सी जगह, कौन हूँ मैं? पापा जी आप पापा जी हो, ये आपका बंगला है। बंगला? कौन सा बंगला? पापा जी आपको कुछ याद नहीं? मैं बिट्टू टिट्टू।
बस्ती? कौन सी बस्ती? भगवान, पापा जी, वाकई आपका डब्बा गोल है? क्या मतलब? डब्बा गोल से क्या मतलब तुम्हारा? नहीं कुछ नहीं बेटा, अच्छा मौका है, मौका देख के चौका मार ले, मौके का फायदा उठा ले बच्चों। वैसे पापा जी, आप इसी हालत में रहना, मैं आता हूँ। कौन सी हालत? ए लड़के, ये क्या है? अरे ये तो हमारी ढाल है, तो हमारी तलवार कहाँ है? तलवार कहाँ है हमारी? तलवार कहाँ है? हाँ। तुम? अयो आम तो अब... मैं कौन हूँ? ऐसे में तो आप एकदम मुगले आजम लगते हो। मुगले आजम? हाँ। क्या मतलब? अयो जहाँ पना आलम पना अकबर अकबर। हम अकबर हैं? आमा। हम अकबर हैं? आमा आमा। तुम कौन हो कनीज? परफॉर्मेंस दिखाने का अच्छा मौका दिया आपने हमें। हम हैं मधुबाला। अयो सॉरी सॉरी अनारकली। डांस करके बताए? नहीं, इस वक्त हमें नाच नहीं देखना, हमें चाय की तलब लगी है, चाय अता की जाए। अयो सर इतना अच्छा, हमने कहा चाय अता की जाए, जाओ। अयो जाता, ड्रामा करता, हमको नहीं करने देता। चल 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 चल। अच्छा ठीक है ठीक है, रुक रुक, निकल निकल। ये रही मेरी रिपोर्ट कार्ड। पापा जी को दिखाने जा रहे हैं? दिखाने के साथ साथ पापा जी से साइन भी करवाने जा रहा हूँ। कमाल है, मुझे तो लगा ये पापा जी को रिपोर्ट कार्ड दिखाते वक्त देवदास बन के जाएगा, ये तो शम्मी कपूर की तरह उछलते हुए चले गया। पापा जी की रट लगा रखी है। हम तुम्हारे वालिद हैं, अब्बा हुजूर कह के बुलाओ। खजूर? पापा जी मैं आपको खजूर कैसे कह सकता हूँ, ये तो टपोरी लफ्ज है ना। खजूर नहीं अब्बा हुजूर, हम शहंशाह हिंदुस्तान हैं। क्या कहा आपने? शहंशाह हिंदुस्तान? हाँ अकबर, अकबर हैं हम। कमाल है, नाम है अकबर और स्टाइल है गब्बर। यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, इससे पहले की प्रॉब्लम बढ़ गई, तू अपना काम कर ले बच्चों। ये क्या नाम शनाम बके जा रहे हो तुम? कुछ नहीं, आपकी तारीफ कर रहा था, मेरा मतलब है आपकी तारीफ में शेर पढ़ रहा था। शेर? बहुत खूब, शेर और शायरी का शौक तो हम भी रखते हैं। बाबुलंद आवाज पढ़ा जाए। क्या क्या? हमने कहा बाबुलंद आवाज पढ़ा जाए वरना सर कलम कर दिया जाएगा। सर ठीक है, सुनिए सुनिए, मैथ्स में आए मेरे 100 में से 9, प्लीज मेरे अब्बा हुजूर कर दो मेरा रिपोर्ट कार्ड साइन। साइन? ये साइन क्या चीज होती है? दस्तखत। हम दस्तखत नहीं करते, हम शाही मोहर लगाते हैं। मोहर? मोहर तो लगी हुई है, बस दस्तखत कर दो। अच्छा कलम दवात कहाँ है? ये रही कलम। दवात कहाँ है? दवात में डुबा के लाया हूँ। बहुत खूब। सलीम नहीं, हम शहंशाह अकबर हैं। लेकिन अगर तुम अनारकली हो तो हमें सलीम बनना गवारा है, शायद हमारी बेकरार रूह को सुकून आ जाए। ये बात है, यानी हिंदुस्तान की सरजमी पर अंग्रेज पैवस्त हो चुके हैं। ये सरजमी का क्या मतलब होता है? ये बोल रहे हैं कि अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो ये आपका सर जमीन पर पटक देंगे। खामोश बदतमीज, अनारकली कहाँ है, हमारी चाय कहाँ है? लाइया लाइया जहाँ पर अकबर, आपका चाय लाइया।
एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं मीनू बेबी, तुम्हारा पापा जोक मारता। अब सर ज्यादा जोक मारोगे बच्चा लोग डर जाएगा, आप बंद करो। मनीष, शहंशाह अकबर को एक ठुमका लगाने वाली लौंडिया कहेगी कि उन्हें क्या करना है। कहाँ है दरोगा जंदान? नटवर सिंह, संदीप सिंह, जयदीप सिंह का आओ सबके साथ। अयो सर को क्या हुआ जी? एक्चुअली बात ये कि पापा जी की याददाश्त चली गई है। क्या? लेकिन कैसे? उनके सर पे उनके दादाजी की शेल गिर गई, इसकी वजह से वो अपने दादाजी के परदादाजी के जमाने में चले गए। अगर एक बात फिर समझ में नहीं आई, पापा जी शहंशाह अकबर कैसे बन गए? हाँ? कैसे बन गए का क्या मतलब? हमारी बाकायदा ताजपोशी हुई है। हमको लगता हमको इसका रीजन मालूम है। हाँ? कैसे हुआ? वो सर शील्ड लेके खड़ा था और हमको पूछा मैं कौन हूँ, हमने भी बोल दिया शहंशाह अकबर हूँ। हिंदुस्तान के शहंशाह। पापा शहंशाह तो अमिताभ बच्चन है, याद है उस फिल्म में उनका डबल रोल है। यार और ये सोचो कि अब आगे क्या होगा। आगे मेरी एक सजेशन है, सुननी तो सुनो। हाँ बोलो। जो शील्ड पापा जी के सर पे गिरी थी ना, वही शील्ड पापा जी के सर पे वापस गिरा देते। ओ चुप कर फते, मुझे पता कि क्या करना है, मैं संभालूंगी उनको। शहंशाह हिंदुस्तान को तुम संभालोगी ना चीज? ओ ना जी ना, ना तो मैं आपको चीज खिलाऊंगी और ना ही बटर। अब चलिए ना प्लीज। कहाँ? अपनी खाबगा में जा बना। क्यों? वहाँ पे सारे सेनापति और सेना पत्नी साहब तो वेट कर रहे हैं ना। हमारे खाबगा में जोधा भाई, तुम्हारी ये हिम्मत? चलिए। अब भगवान से ये प्रार्थना करो कि शहंशाह पापा को गुस्सा आ जाए और वो आंटी का सर कलम कर दे। देखते हो क्या क्या दिखला थी। चल 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 चल। अरे अरे ये क्या कर रही हो? क्यों हमारे खाबगा में खींच लाई आप हमें? सच्चाई बताने के लिए। कैसी सच्चाई? यही कि आपको गुमराह किया जा रहा है। गुमराह किया जा रहा है? क्या मतलब? मतलब ये कि आप कभी बादशाह थे ही नहीं। हम बादशाह नहीं थे तो फिर हम क्या हैं? जरा आप खुद पे तो नजर डालिए, क्या बादशाह कभी ऐसे कपड़े पहनते हैं? जरा अपने घर को देखिए, क्या बादशाह कभी ऐसे घर में रहते हैं? बात तो तुम्हारी सच है, लेकिन अगर हम बादशाह नहीं है तो फिर क्या है? आप पंजाब की मिट्टी से उठे किसान हैं। मैं पंजाब की मिट्टी से उठा हुआ किसान हूं, पर मुझे मिट्टी में फेंका किसने? ओहो, आप लिटिल मीनिंग तरफ क्यों जा रहे हैं? मेरा कहने का ये मतलब है कि आप एक पंजाबी हैं। पंजाबी है? तो यार फिर वो अनारकली मैं क्यों कह रही थी कि मैं शहंशाह अकबर हूं? बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको। क्यों? क्योंकि मैं एक पंजाबी हूं। नहीं जी, हमारी मोहब्बत के बीच दीवार खड़ी करी जा रही है। हमारी मोहब्बत? हाँ, याददाश्त जाने से पहले हम और आप एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। सच? यानी याददाश्त जाने से पहले मैं धर्मपाजी की तरह दिल फेंक हुआ करता था? नहीं जी, आप सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते थे और हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। सच? और अब आप बाजी शुरू कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ जान देने अपनी। ओ नहीं, ओ नहीं, ये नहीं। ओ, मैं पंजाब का पुत्र हूं, मैं नहीं चाहता कि कोई मासूम कुड़ी मेरी वजह से अपनी जान दे दे। समझ नहीं आता है कि मुझ जैसा टाल डार हैंडसम आदमी तुम मुझे ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? याद कीजिए गन्ने के खेतों में हम घंटों दिलेर मेहनत के गाने गाते रहते थे। सच? तो फिर तुसी मेरे ना शादी तो करोगे ना? ओए रब्बा, ओ बाद शादी तक आ गई है? हाँ जी, लेकिन वो आपके बच्चों की वजह से सब गड़बड़ हो जाती है। आप प्रॉमिस करो कि अपना वादा नहीं तोड़ोगे कभी। ओ कुड़ी, ये याददाश्त जाने से पहले भी मैंने वादा किया तो मैं तेरे साथ ही ब्याह कराऊंगा। खुश हो जा, खुशियां मना। पकड़ो इसे। एक बॉल नहीं पकड़ सकते तुम? तुम्हें यहाँ देखने को कोई हक नहीं। उस तरफ देखो, उस तरफ जाओ, उस तरफ जाओ। अरे जाओ ना यहाँ से। ये रखो उस तरफ। क्या मुसीबत है यार? हट हट, क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है? सामान पैक कर रहे हैं, अब इस घर में हम एक सेकंड नहीं रुकेंगे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि दिव्यानी आंटी ने पापा को पूरी तरह से फंसा लिया है। वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर भांगड़ा करे और यहाँ हमारा खून जले, इसलिए हमने फैसला किया कि हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। हाँ। चुप करो, हमारे घर में आग लगी है और तुम लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ी बनने के बजाय पेट्रोल पंप बन रहे हो। तो क्या करें, पापा की शादी में डांस करने की तैयारी करें क्या? हम नाचने वालों में से नहीं, हम नचाने वालों में से हैं। देखो बिट्टू, ये सिचुएशन बहुत सीरियस है, अब पापा तो पूरी तरह से हाथ से निकल चुके हैं। मीनू, बिट्टू की टीम में होते हैं तुम्हें सरेंडर करने की कोई जरूरत नहीं। बिट्टू अब कुछ नहीं हो सकता। हो सकता।
इनो। देखो ये सब पंगा पापा जी के याददाश्त जाने से हुआ है ना। हाँ तो पापा जी की याददाश्त लौट भी सकती है और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन याददाश्त लौटेगी कैसे? एक ही उम्मीद है, भगवान भगवान भगवान। भगवान ने मेरी सुन ली। अब पापा जी की याददाश्त आ सकती है। ओ जी ये फूल तो मेरी जुल्फों में लगा दीजिए ना। ओ ये सिंगल फूल में खड़े यार, मैं तो सारे बागान तेरी जुल्फांच लगा दूंगा। आप तो बड़ी बहू। ओ यार असी ये भी नहीं है वो भी नहीं है, इश्क ने गलीब निकम्मा कर दिया, वरना असी बहुत काम दे बंदे सी। ए जी ओ जी अब शादी के बाद उस रेखा टी को कहीं दूर भेज दोगे ना जी? तू फिक्र ना करी, रेखा टी नु तो मैं कारगिल भेज दवांगा, ठंड से सुकड़ के मर जाऊंगी। और उन बच्चों को भी हॉस्टल भेज दीजिएगा ना। हॉस्टल? ओ मैं तो काला पानी भेजने की सोच रहा था, पर क्यों? वो इसलिए कि शादी के बाद हम लोग आराम से बिना किसी रोक टोक के प्यार के गाने गाएंगे इस घर में। सच? ओ तू गिद्दा पाते मैं भंगड़ा पावांगा ना। असी तुझी लस्सी पीसी, वो कमाल हो गया जी, कमाल हो गया मेरी सोनिए, मेरी हीरिए, मेरी टीरिए। अब करेंगे ना जी? अरे जरूर जी जरूर। की बातें कितनी अच्छी लग रही है जी। तेरी शक्ल कितनी सोहनी लग रही है। मैंने आपको कोई गाना गाना आता है? आहो वो गाना मुझे फिल्मी गाने आते हैं। तो सुनाइए ना प्लीज। सुनावा? हाँ जी। ओए हाय रे हाय। हाँ जी। ओए हाय रे हाय, बल्ले बल्ले, ओए ओ। मैं कहाँ हूँ? मेरी बाहों में चिपक हूँ। हटो जी, क्या कर रही है? पापा जी आप अपने बंगले में आओ। हाँ मामा। अरे हाँ मैं तो अपने बंगले में हूँ। ये टिट्टू, ये बिट्टू। अरे वाह, अरे तेरे तो एग्जाम चल रहे थे ना, रिजल्ट कहाँ है? पापा जी रिजल्ट की बात छोड़ो, आप अपना ख्याल रखो। मुझे क्या हुआ? पापा जी जो पहले हुआ था वो तो बहुत बुरा था, मगर अब तो सब कुछ ठीक है। दोस्तों लड्डू शड्डू जलेबी जलेबी लस्सी लस्सी, पापा जी की याददाश्त वापस आ गई है। ओह नो, ओह यस। यारो आओ शोर मचा, हल्ला गुल्ला खुशी मना। यारो आओ शोर मचा, हल्ला गुल्ला। जितना खुश होना हो रहे, बाद में तो तेरे को रोना ही रोना है, समझा ना? रोना वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि जब पापा जी तेरा रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो तुझे इतने जूते मारेंगे कि लीटर के हिसाब से तेरे आंसू बहेंगे, समझा? अरे लड़का है मैं रुलाने वाले, देख पापा जी से साइन नहीं करवाया। रिपोर्ट कार्ड पे साइन ले लिया? कब? जब पापा जी की याद आ गई थी, वो तो बादशाह अकबर बने हुए थे। वाह वाह वाह, क्या साइन लिए, क्या साइन लिए, देख तू खुद देख ले। हाँ अरे अंदर देख ना, अंदर देख। बादशाह अकबर का साइन? नहीं।